सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विराट कोहली को भारत रत्न देने की मांग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, ईडी के सहारे चुनाव लड़ रही है भाजपा। बिहार के पटना में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। बसपा चीफ मायावती आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगी, 8 दिनों में करेंगी 9 रैलियां। हमास ने जंग की शुरुआत की, इसे खत्म हम करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। देश के सामने आए कोविड-19 के 8 नए केस। पीएफआई के मामले में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की अदालत में फैसला आज। राजस्थान विधानसभा चुनावों में नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि आज। राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी बस, 4 की मौत। इजराइल हमास जंग के बीच अचानक इराक के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा 9,770 पहुंचा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नोएडा में 616, गुरुग्राम में 516 और दिल्ली में 416 AQI दर्ज। पंजाब के मोगा में भीषण हादसा, कार और ट्रक की सामने सामने टक्कर, 5 युवकों की मौत। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को 7,000 रुपए की बोनस, अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, केजरीवाल सरकार खर्च करेगी 56 करोड़ रुपए। यूपी में पश्चिम से पूरब तक हवा में घुल रहा जहर, कई शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में। दिवाली से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार, योगी की टीम में पिछड़ों को मिलेगी तवज्जो, राजभर और दारा समेत कई नए चेहरे। कांग्रेस पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले कांग्रेस ने जाति जनगणना भी होने नहीं दी और न ही लागू किया OBC आरक्षण। गोरखपुर में नगर निगम कर्मी ने की तलाकशुदा पत्नी की हत्या, बचाव में आई 2 बेटियां गंभीर। सपा में फैले गुटबाजी, पूर्व प्रत्याशी और महानगर के पदाधिकारी के बीच हुआ विवाद, मामला हुआ वायरल।